कानपुर में प्रशासन की लापरवाही से सरकार की किरकिरी हो रही है। कैसे प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी की नमामि गंगे योजना को पलीता लगा रहा है, आपको बता दें कि शहर के सबसे बड़े सीसामऊ नाले से गिरने वाली गंदगी गंगा में पहुंच रही है। शहरवासियों को छुटकारा तो मिल जाता है इस गंदगी से, लेकिन यह सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे तक ही सीमित दिखाई देता है। सीसामऊ नाले के गंदे पानी से गंगा हो रही मैली, नाले के पानी को गंगा में गिरने से रोकने का किया था दावा, फेल। पीएम मोदी और उनके दौरे के समय, सीएम योगी के दौरे के समय यह दावे किए जाते हैं। पीएम मोदी ने सीसामऊ नाले का जो सिस्टम था उसे बदलने के लिए बात कही गई थी, दावा किया गया था, लेकिन खबर और तस्वीर कुछ यूं है आपके सामने। कानपुर प्रशासन ने सरकार और लोगों की आंखों में धूल झोंकी है। गंगा में गिर रहा सीसामऊ नाले का लाखों लीटर गंदा पानी, सीसामऊ नाले के गंदे पानी से गंगा हो रही मैली, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे तक ही सीमित रह गए दावे। R9 टीवी आपको दिखाने जा रहा है, दिखा रहा है सीसामऊ नाले को लेकर कानपुर प्रशासन ने किस तरह लोगों और सरकार की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। दरअसल 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्टीमर से सीसामऊ नाले का दौरा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ नाले से सेल्फी ली थी, लेकिन महीने भर में ही कानपुर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सीसामऊ नाले का लाखों लीटर गंदा पानी गंगा में समा रहा है। यह तस्वीर कानपुर की है। वादों और दावों की पोल खोलती यह तस्वीर बता रही है कि प्रशासन सरकार के आंखों में धूल झोंक रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्योंकि गंगा में गिर रहा है गंदा पानी। आज की तस्वीर और 11 दिसंबर की तस्वीर देख लीजिए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सवार थे उस बोट में जब यह दावा किया गया। सेल्फी पॉइंट बनाया गया, दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कानपुर प्रशासन की पोल कैसे खुल रही है। R9 टीवी पर कानपुर प्रशासन ने सरकार और लोगों की आंखों में कैसे धूल झोंकने का काम किया है। मुख्यमंत्री के सपने को पलीता लगाया, प्रधानमंत्री के अरमानों को तार तार कर दिया, सीसामऊ नाले के गंदे पानी से गंगा को मैला कर दिया। नीरज अवस्थी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीरज, जिस तरह के दावे किए गए, तस्वीर बता रही है कि तनिक भर भी काम नहीं हुआ। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद जितने भी दावे किए गए वो सारे फेल साबित हुए, खोखले साबित हुए। और सबसे अहम चीज इसमें रही कि इस चीज से लेके न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम बल्कि पीएम भी जुड़े हुए थे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट उनका बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत ये काम हुआ था। करोड़ों अरबों रुपए लगाए गए और दावे किए गए। उसके अलावा जब अधिकारी ये जो यहाँ के हैं उन्होंने सारी चीजें बताई, और इसके साथ ही दावे किए गए कि इसमें नाले को टैप कर दिया गया, अब इसमें कभी पानी नहीं भरेगा। लेकिन यहाँ पे बरसात का पानी, जो बेमौसम बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पे सीवरेज का पानी जाता हुआ दिखा, जो तस्वीरों में दिख रहा है, तो साफ है कि बड़ी लापरवाही है। इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सरकारी विभाग है, जो जिम्मेदार है, वो लगातार आंखों में धूल झोंकते रहे। अगर ये बारिश अभी ना होती तो ये चीजें आगे जरूर खुलती, लेकिन समय रहते पहले ही खुल गई। जी पंकज, यहाँ ये समझने वाली बात भी है, नमामि गंगे का जिक्र आपने किया और राजीव गांधी से लेकर आज तक करोड़ों रुपया गंगा की सफाई के लिए खर्च भी हुआ, उसके नाम पर अलग मंत्रालय बना, अलग मंत्री बनी, लेकिन जो नाला कानपुर में सालों से बह रहा है, सदियों से बह रहा है, उस पर काम नहीं हो पाया। चूक कहाँ हो रही है, कौन वो लोग हैं जो इस नाले को बंद नहीं कर पा रहे हैं या इस तरह की सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं कि ये गंदा पानी नाले में ना जाए, नाले का पानी गंगा में ना जाए। देखिए पंकज, ये तस्वीरें सामने आने के बाद जब हमारी बात हुई अनिल कुमार गुप्ता, जो मुख्य अभियंता है जल निगम के, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसी नई चीज बताई है जो कि अभी तक किसी के सामने नहीं थी, क्योंकि दावे ये किया जाता है कि 365 दिन सीसामऊ नाले का जो गंदा पानी है वो गंगा में नहीं गिरेगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि इसकी इस तरीके से इसकी डिजाइन की गई है कि इसमें बारिश के समय
पानी गिरेगा और सीवरेज का पानी जो है वो भी अगर ओवरफ्लो होगा तो वो उसमें जाएगा। तो अब जो दावे पहले किए जा रहे थे और अब जो बातें सामने आ रही हैं बिल्कुल अपने आप में विपरीत है, और इस तरीके के सामने अगर आ रही है तो साफ है कि अधिकारियों की क्या मंशा है, और उन्होंने सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए और पीएम और सीएम बड़े अधिकारियों मंत्रियों को दिखाने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए इस तरीके को किया, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ सरकार को लोगों को धोखे में रखा। नीरज आप बने रही हमारे साथ क्योंकि इस खबर पर और जानकारी आपसे लेनी है। इस पूरे मामले से जब डीएम साहब को रूबरू किया गया, जब डीएम से बात की गई तो उन्होंने बरसात का हवाला देते हुए बड़ी आसानी से कह दिया कि बारिश हुई है इसलिए साहब नाले का पानी गंगा में बहाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, नमामि गंगे को पलीता लगाने वाली खबर पर डीएम साहब का यह बयान भी देख लीजिए। बारिश के बाद सीसामऊ नाले का पानी गंगा में पहुंचता है, गंगा में नाले के पानी के गिरने पर डीएम का गैर जिम्मेदाराना बयान आता है, बारिश हुई है इसलिए गंगा में बहाया जा रहा है नाले का पानी, बारिश के बाद सीसामऊ नाले का पानी रोक दिया जाएगा। क्या कुछ कहा डीएम ने, गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दिया एक जिम्मेदार अधिकारी ने, दिखा रहे हैं आपको। क्योंकि बरसात हुई है और बरसात होने के कारण जब बहुत ज्यादा जल प्रवाह आता है तो जो इसके क्षमता होती है उससे ज्यादा जल प्रवाह होने पर उसको गंगा या नदी में गिर जाता है, और यही स्थिति यहाँ भी रही है कि और जब बरसात बंद हो जाता है तो उसके बाद पुनः जो है व्यवस्था चालू कर दी जाती है, तो एक लिमिट के ऊपर जो है पीछे के एरिया में जो है थोड़ी सी फ्लडिंग जैसी सिचुएशन बनेगी, तो फिर इसके कारण ही यहाँ जो है जो ड्राई वेदर फ्लो का डिजाइन था उसके हिसाब से जितनी अधिकतम क्षमता तक जो है टैप किया जा रहा था उतना टैप किया गया है, लेकिन जो उससे ज्यादा का ओवरफ्लो था वो बरसात के कारण वहां गया है बियर गेट के ऊपर से। तो एक जिम्मेदार अधिकारी का गैर जिम्मेदाराना बयान आपने सुन लिया, गंगा में नाले के पानी के गिरने पर डीएम का गैर जिम्मेदाराना बयान ये आया कि बारिश हुई है इसलिए गंगा में बहाया जा रहा है नाले का पानी, बारिश के बाद सीसामऊ नाले का पानी रोक दिया जाएगा, किस तरीके से रोका जाएगा। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। नीरज, जब डीएम साहब यानी कि जो जिम्मेदार हैं जिले के तमाम कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए उनकी सराहना, लेकिन जहां पर चूक हुई तो उसके लिए जिम्मेदार भी वही हैं, और उनका ये गैर जिम्मेदाराना बयान क्या कहता है, क्या इस नाले से, इस नाले से गिरती गंदगी से जो गंगा में गिर रही है डीएम साहब अनजान है या जानकर भी अनजान बन बैठे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, बारिश हो रही है तब गिर रहा है। जी बिल्कुल पंकज, इस तरीके का बयान जो डीएम साहब ने दिया इसके बाद जो उससे बिल्कुल इतर बयान है, अनिल कुमार गुप्ता जो मुख्य अभियंता जल निगम है उनकी देखरेख में ये चीजें चल रही थी, उन्होंने कहा है कि जब जब बारिश आएगी, जब जब बरसात होगी, इस तरीके का आपको गंगा में प्रवाह जो है सीवरेज का या गंदा पानी है या बरसात का है वो देखता हुआ मिलेगा, लेकिन कि कोई भी अधिकारी जो अभी तक थे, ये जो अधिकारी है इन्होंने पहले कभी नहीं बताया था कि इस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि दावे किया था सीधा टैप कर दिया गया है, वहां पे सेल्फी पॉइंट है, लोग सेल्फी ले पाएंगे, वहां पे वितरण कर सकेंगे लोग और घूम सकेंगे, लेकिन अब वो चीजें जो है बिल्कुल इतर है, इससे सिर्फ ये जो बारिश हुई है सर्दी की बारिश है, बेमौसम बारिश है इससे ही, और वो जरूर कह रहे हैं कि हम नाले का जो ओवरफ्लो बारिश का पानी हुआ उसको हम रोकेंगे, लेकिन जो जल निगम के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जब जब बारिश होगी तब तब इस तरीके की चीजें सामने आएंगी, यानी कि वो बता रहे हैं कि हमारा जो डिजाइन है वो इसी तरीके का था, तो अगर डिजाइन इस तरीके का था तो पहले जिम्मेदार लोग जो हैं उन्होंने पीएम समेत सीएम और अन्य लोगों के साथ साथ आम जनता को गुमराह क्यों रखा, ये बड़ा सवाल है। जी पंकज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो गंगा में गिर रहा है गंदा पानी, जी हाँ गंदा पानी गिर रहा है, नमामि गंगे योजना यानी कि गंगा को स्वच्छ करना है गंगोत्री से लेकर जहां जहां गंगा जाती है, लेकिन ये काम हुआ नहीं, ओवरफ्लो की वजह से नाला खोला गया, बारिश होने की वजह से नाला भर जाता है, इस तरह के बयान आ रहे हैं, बस कह सकते हैं कि ये बहानेबाजी है। जल निगम के अधिशासी अभिनेता क्या कुछ कहना है, दिखा रहे हैं आपको। सीसामऊ नाला जो है सीवेज के लिए डिजाइंड है, ड्राई वेदर फ्लो के लिए, अगर बरसात हो गई, कल रात से बरसात हो रही है तो बरसात को का पानी कहाँ ले जाएंगे, उस समय गेट लगे हुए हैं, बरसात के समय उसके गेट खोल लिए जाते हैं
और ज्यादा पानी होता है तो ओवरफ्लो भी होता है। ये सभी नालों में होता है, जितने भी नाले डिजाइंड होते हैं कहीं भी प्रदेश में, कहीं भारत में, कहीं इसी की बात नहीं, सभी इस तरह के नाले डिजाइन होते हैं। अब बारिश होगी, बारिश में गेट खोले जाएंगे, जो एक्स्ट्रा फ्लो है उसका ओवरफ्लो होगा बारिश में। यानी सभी सभी नाले इसी में डिजाइन होते हैं, इसी तरह डिजाइन होते हैं। तो मुख्य अभियंता साहब को सुन रहे थे आप, लेकिन इतिहास क्या है सीसामऊ नाले का? एशिया का सबसे बड़ा नाला 128 साल पुराना है। एशिया का सबसे बड़ा नाला है ये, 128 साल पुराना ये नाला है, लेकिन कोई इस तरह की पॉलिसी बनी नहीं। 1892 में अंग्रेजों ने कराया था नाले का निर्माण, शहर के गंदे पानी के निकास के लिए बनवाया था। करीब 40 मोहल्लों का पानी इस नाले में जाता है, 40 मोहल्लों का पानी। अंदाजा लगता है इससे कि कितना पानी, गंदा पानी गंगा में जा रहा है। नहर की तरह रहता है नाले का दबाव, बहाव। नाले से 14 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में गिरता है। करीब 28 करोड़ के खर्च के बाद इसे बंद किया गया था, कम रकम नहीं 28 करोड़। विश्व बैंक की टीम, जापान के एक्सपर्ट भी नाले को देखने आ चुके हैं। नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक से पहले बंद किया गया था नाला, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। नाले का गंदा पानी आज भी गंगा में पहुंच रहा है, गिर रहा है। गिरते पानी से जब सवाल किया जाता है जिम्मेदार लोगों से, तो अलग अलग तरह के तर्क दिए जाते हैं। साहब, बारिश हो रही है इसलिए नाला ओवरफ्लो हो रहा है, बारिश हो रही है इसलिए पानी का दबाव बढ़ा, इस नाले का पानी तब गंगा में पहुंच रहा है। कानपुर प्रशासन की पोल नहीं खुलती क्या? जिम्मेदार अधिकारी जो कहते हैं, क्या वो काम करते हैं? तो नमामि गंगे योजना, गंगा को स्वच्छ करना, गंगा को लेकर वोट बैंक की पॉलिसी किसने नहीं अपनाई? राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब से लेकर आज तक अगर खोजिएगा तो पता लगेगा कि करोड़ों अरबों रुपया इस पर खर्च कर दिया गया गंगा के नाम पर, लेकिन गंगा रत्ती भर भी साफ नहीं हुई, आचमन योग्य नहीं रही। और कानपुर का ये नाला बता रहा है, अधिकारियों की लापरवाही है।